Hello everybody, welcome to web training online. Well, actually this video is only for Hindi speaking people. तो इस वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जब आप SEO ट्रेनिंग करते हैं या आप SEO सीखना चाहते हैं या आप SEO इंडस्ट्री में जॉब करना चाहते हैं एज ए फ्रेशर, तो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपको आनी चाहिए और कौन सी एक्टिविटीज़ इम्पॉर्टेंट होती हैं SEO कैंपेन्स में. ओके, सो एज यू नो दिस इज़ अवर वेबसाइट. आप इस वेबसाइट पर जाके भी कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और जो हमारे YouTube वीडियो चैनल है उस पर भी हम काफ़ी वीडियोस और टिप्स डालते रहते हैं ऑन वीकली बेसिस. तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब करके एडवांस जो SEO टेक्निक्स हैं, जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं, जो हम शेयर करते हैं, वो वीडियोस भी आप देख सकते हैं. एंड अवर 70% वीडियोस विल बी इन हिंदी. सो जो लोग हिंदी में ये ट्रेनिंग करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि वो चीज़ें हिंदी में सीखें, सो आपके लिए एक बेटर ऑप्शन होगा. और सिर्फ SEO ही नहीं, हम डिजिटल मार्केटिंग, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग, SEO, SMO, PPC में बिंग एंड गूगल एडवर्ड्स दोनों ही, उसके बाद जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स होते हैं लाइक फेसबुक, ट्विटर, रेडिट, लिंक्डइन और गूगल प्लस, तो जो ये मैक्सिमम आपके मेजर प्लेटफॉर्म्स होते हैं, हम उन पर भी जो फेसबुक जो एड्स चलते हैं हम वो भी आपको बताएंगे अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन का कोर्स करते हैं तो. ठीक है, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि आप अगर एक SEO ट्रेनिंग करना चाहते हैं कहीं से भी, वेल हम भी SEO ट्रेनिंग कराते हैं बट हमारे केस में जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स होते हैं दे आर फ्रॉम दिल्ली, मुंबई एंड बेंगलोर. इन तीन जगह से काफ़ी कैंडिडेट्स होते हैं और जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं, जो चाहते हैं कि वो किसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ना जाके वो किसी प्रोफेशनल ट्रेनिंग करें. उसमें रीज़न भी होता है, जब आप ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं वहाँ पर सीखने के लिए तो वो कोशिश करते हैं कि उनका कोर्स ख़त्म हो जाए. वो कभी भी दे विल नेवर थिंक आउट ऑफ बॉक्स बिकॉज वो जानते हैं कि यू आर गोइंग टू पे समथिंग और वो आपको कितने भी आगे लेवल पर पुश करेंगे बट यू विल पे द सेम अमाउंट. इन अवर केस हम भी जानते हैं कि चलो आप जो अमाउंट पे कर रहे हो दैट इज़ फाइन, बट इम्पॉर्टेंट ये होता है कि जब एक प्रोफेशनल होता है जो इंडस्ट्री में काम कर रहा है, जिसको चैलेंजेस फेस करने हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई नई अपडेट आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, साइट रैंक नहीं कर रही है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, पेनल्टी लग गई है, वो चीज़ें कैसे रिकवर करनी है वो एक प्रोफेशनल ट्रेनर से ज़्यादा अच्छा जानता है. सो यही रीज़न होता है कि हमारे पास जो कॉल्स आती हैं वो जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, जो उस लेवल पर जाके पढ़ना चाहते हैं कि जहाँ पे हम 7 साल में पहुँचे हैं वो वहाँ पर 2 साल में पहुँच जाएँ. बिकॉज वो चीज़ें भी आप जब हमारा जो कोर्स का मटेरियल है वो आप देखेंगे तो खुद ही एक आइडिया मिल जाएगा. अगर आपको बेसिक नॉलेज है SEO की, बेसिक नॉलेज अगर आपको SEO की है तो आप और ईजी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप मिस कर रहे थे, वो चीज़ें भी आपको आनी चाहिए. तो स्टार्ट करते हैं. मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, सो आई बिलीव कि ये वीडियो 45 मिनट्स अप्रॉक्स जा सकता है, 30 to 45 मिनट्स. तो मैं कोशिश करूँगा कि जो भी मेन चीज़ें हैं वो आपको सिर्फ ब्रीफ दे सकूँ कि वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं आपको SEO में और उन्हें कैसे कर सकते हैं हम. ठीक है, उसके पहले एक बार देख लेता हूँ कि वीडियो चल रहा है कि नहीं. ओके, इट्स वर्किंग प्रॉपरली. ओके, सो लेट मी ओपन द सिलेबस. मैंने भी जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि सर एक आप ड्राफ्ट करके दे दो जिससे कि हमें पता रहे कि चीज़ें हमें पढ़नी है, तो मैंने वो भी जस्ट बनाया है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ. हो सकता है इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग हो बिकॉज अभी मैंने उससे 5 मिनट में टाइम लेके बनाया है, तो अगर कुछ मिसिंग होता है इन दैट केस वी विल कवर दैट टॉपिक इन ऑनलाइन ट्रेनिंग, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम. ठीक है, जो हम SEO ट्रेनिंग कराते हैं ये हमारी साइट है www.webtrainingonline. जो मुझसे ट्रेनिंग कर रहे हैं या जिन्होंने हमारा पुराना जो चैनल था वो सब्सक्राइब किया हुआ है तो उनको पता होगा. ठीक है, और अगर आप नए हैं, अगर आप मेरे वीडियो पहली बार देख रहे हैं, सो आई बिलीव आपको इस वीडियो में कुछ जानकारी मिलेंगी, बट मैं फिर भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें बिकॉज यू विल फाइंड लॉट्स ऑफ गुड इन्फॉर्मेशन ऑन दिस चैनल. हम अभी यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के बारे में काफ़ी कुछ एडवांस लेवल पे जाके टेक्निक्स बताने वाले हैं, इवेंट ट्रैकिंग, गोल सेट करना और एक्सपेरिमेंट्स करना, तमाम तरह की चीज़ें एडवांस लेवल पे जो हम करते हैं, नोटेशंस कैसे सेट करते हैं, सेगमेंट्स कैसे बनाते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे आपको एनालिटिक्स में मिल जाएंगी. इसी तरह से गूगल टैग मैनेजर का हम कम्प्लीट वीडियो डालने वाले हैं तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे एंड दैट विल बी इन स्मॉल पोर्शंस. वो पहले छोटे छोटे वीडियोज़ बनाएंगे कि अब इवेंट ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गूगल टैग मैनेजर,
आपको गूगल एडवर्ड्स अगर रिमार्केटिंग टैग लगाना है तो कैसे कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स कोड लगाना है तो कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें इस चैनल आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से फेसबुक डिजिटल मार्केटिंग जो कंप्लीट होता है, इवन गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेशन कि जो क्वेश्चंस होते हैं और गूगल एडवर्ड ट्रेनिंग के बारे में, गूगल एडवर्ड्स की जो टिप्स होती हैं, गूगल सर्च कंसोल की टिप्स, एसईओ की टिप्स, जो नई अपडेट्स आएंगी उनके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी ऑन दिस चैनल एंड दैट टू इन हिंदी। ओके, पहली बात कि आपको मुझे क्यों सुनना चाहिए। सो आई हैव बीन प्रोवाइडिंग एसईओ सर्विसेज एंड एसईओ ट्रेनिंग फॉर लास्ट 7 ईयर्स एंड आई एम वूरैंक सर्टिफाइड एंड गूगल एडवर्ड सर्टिफाइड। वो रैंक सेट करता है स्टैंडर्ड्स, वो आप एक टूल होता है जिससे आप जाके अपने साइट को एनालाइज कर सकते हो, तो उसका सर्टिफिकेशन होता है, इंडिया में बहुत कम लोगों के पास है। अगर आप देखेंगे वो रैंक के साइट पे तो बहुत कम लोगों के पास है एंड आई एम वन ऑफ देम। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। व्हाट इज़ एसईओ एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट। एसईओ होता क्या है, क्यों सीखना चाहिए एसईओ, या फिर एसईओ आपको आपकी साइट के लिए क्यों करना चाहिए। सो दैट इज़ क्वाइट ऑब्वियस। SEO एक प्रोसेस होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फुल फॉर्म है इसका। SEO प्रोसेस के हेल्प से आप अपनी साइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर ऑप्टिमाइजेशन यू कैन अचीव फर्स्ट पेज रैंकिंग और टॉप रैंकिंग फॉर योर इंडस्ट्री स्पेसिफिक कीवर्ड्स। मतलब आप अपने कीवर्ड्स, जो भी आपके इंडस्ट्री रिलेटेड कीवर्ड्स होते हैं, उन कीवर्ड्स पे आप अपनी वेबसाइट्स को रैंक कर सकते हैं गूगल में या फिर अदर सर्च इंजन्स में। उसका बेनिफिट क्या होगा, ऑब्वियस चीज़ है कि जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है हम गूगल पे टाइप करते हैं, हम गूगल पे सर्च करते हैं। गूगल, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज इंडिया में 96% जो मार्केट शेयर है, 92 to 96 वेरी करता रहता है, वो गूगल का है। 4 to 5% इज़ फॉर बिंग। तो गूगल ही मेन है फिलहाल अगर हम इंडिया में बात करें तो, इवन हर जगह ही गूगल ही मेन है। इवन US में आप जाएंगे तो वहाँ पे बिंग का जो मार्केट शेयर है वो 8% है। 90% अप्रॉक्स पीपल आर स्टिल यूजिंग गूगल इन यूनाइटेड स्टेट्स। तो गूगल ही आपका मेन फोकस रहेगा हमेशा। सो गूगल पे बिलियंस ऑफ सर्चेस होती हैं एवरी डे। अगर आपकी कोई सर्विस है, फॉर एग्जाम्पल आप एक आपका एक रेस्टोरेंट है फॉर एग्जाम्पल दिल्ली में, आप चाहते हैं कि जो आपकी डिशेज हैं, जो आप जो मेन्यूज में आपके आइटम्स हैं, जो मील हैं, उन्हें कोई सर्च करे, या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी इन दिल्ली, रेस्टोरेंट्स इन दिल्ली, या फिर इन जो उनका एरिया होगा जहाँ पे बेस्ड हैं, उसे चीज़ को कोई सर्च करे गूगल पे तो आपकी साइट ऊपर आए। सो जब लोग कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे एक सीए की ज़रूरत है, मैं सीए सर्च करूँगा सीए इन न्यू दिल्ली, अगर कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट की साइट ऑप्टिमाइज है वो ऊपर आएगी और मैं वहाँ से उनको कॉल करूँगा, सो दे विल गेट बिजनेस, उनको बिजनेस मिलेगा। इसलिए एसईओ इंपॉर्टेंट होता है। गूगल की एल्गोरिदम कैसे वर्क करती हैं, सो गूगल की जो मेन एल्गोरिदम अभी चल रही है वो अपडेट करते रहते हैं, और उन एल्गोरिदम में जो कोर एल्गोरिदम है अभी रैंक ब्रेन है। रैंक ब्रेन एक मशीन एल्गोरिदम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करती है। तो ये जो चीज़ें होंगी गूगल की, जो ऑल जिसे मैंने नीचे लिख भी रखा है गूगल एल्गोरिदम इंट्रोडक्शन, तो जो गूगल की एल्गोरिदम है लाइक गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन, अगर हम किसी एसईओ वाले से बात करते हैं तो मैक्सिमम केस में अगर हम पूछते हैं कि गूगल की एल्गोरिदम के बारे में बताओ, तो दे विल सिंपली से गूगल पांडा, गूगल पेंगुइन। वो इस दो से आगे सोचते ही नहीं हैं, जबकि एल्गोरिदम बहुत आती हैं। अगर हम छोटे छोटे चेंजेस की बात करें वो तो बहुत होते हैं। तो जो मेन एल्गोरिदम्स हम आपको कवर कराएंगे उनमें से कुछ हैं, गूगल पांडा के बारे में बताएंगे, गूगल पेंगुइन बताएंगे, गूगल हमिंगबर्ड बताएंगे, EMD एल्गोरिदम है उसके बारे में बताएंगे, पेज लेआउट एल्गोरिदम बताएंगे, पीजन एल्गोरिदम है उसके बारे में बताएंगे, और जो उनके मोबाइल फ्रेंडली अपडेट्स आई हैं उसके बारे में बताएंगे, जो AMP उन्होंने कहा है उसको ऑप्टिमाइज करने के लिए, वो चीज़ें AMP के बारे में आपको बताएंगे हम। AMP स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। तो वो सब चीज़ें आपको उसमें बताएंगे, जिससे कि आप किसी के इंटरव्यू के पास अगर जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो उन्हें ये नहीं लगना चाहिए कि हाँ आपके पास नॉलेज ही नहीं है। आप भले ही फ्रेशर से ज्वाइन करो, बट जब आप फ्रेशर होते हो इन दैट केस दे डोंट एक्सपेक्ट मच फ्रॉम यू। उन्हें पता है कि आप फ्रेशर को क्या आता होगा, बट जब चीज़ें आपको पता होंगी आप उन्हें बताओगे तो पहले दिन से ही जो इम्प्रेशन पड़ेगा आपके लिए वो होगा कि हाँ आपको नॉलेज है। और जॉब करना या फिर फर्स्ट जॉब पाना इज़ नॉट दैट हार्ड, आपको मिल सकती है, बट उस जॉब में फिर आपको आगे जाना दैट विल बी वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज इन दैट केस विल हैव टू कॉम्पीट विथ मेनी पीपल। वहाँ ऑफिस में बहुत से लोग होंगे जिनसे आपको कॉम्पीट करना होगा, जो अच्छा होगा उसको आगे जाके जो अच्छे रोल्स होते हैं लाइक टीम लीडर, प्रोजेक्ट मैनेजर, वो आपको मिलते हैं। फिर
तो नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो जॉब मिलना शुड नॉट बी योर मोटिव. आपका मोटिव होना चाहिए कि आपके पास नॉलेज हो, आपको नॉलेज हो जो चीज़ें हैं ये. ओके, सो गूगल एल्गोरिथम इंट्रोडक्शन आपको बता दिया, जो एल्गोरिथम के बारे में बताएंगे. ऑन पेज एसईओ, अगर हम ये भी, हाँ एक चीज़ और कि अभी मैंने ये जस्ट ही बनाया है कुछ देर पहले, तो हो सकता है कि ऑर्डर में थोड़ा सा, मतलब जो ऑर्डर होना चाहिए वो सीक्वेंस थोड़ा ऊपर नीचे हो, बट ठीक है, जो एक्टिविटीज़ होंगी वो उसमें ही होंगी, उसी रिलेवेंट कैटेगरी में. फॉर एग्जांपल एसईओ को हम मेन टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. पहला होता है ऑन पेज, दूसरा होता है ऑफ पेज. ऑन पेज एसईओ क्या होता है, व्हाट इज़ ऑन पेज एसईओ? ऑन पेज एसईओ मतलब जो चेंजेस हम अपनी साइट पर करते हैं, अपने वेब पेजेस पर करते हैं, उन्हें हम ऑन पेज चेंजेस कहते हैं या उसे ऑन पेज एसईओ कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने कंटेंट पे, अपने पेज पे, लैंडिंग पेज पे हेडिंग टैग चेंज कर रहा हूँ, H1 H2 लगा रहा हूँ, तो वो अपने पेज पर कर रहे हो. इसी तरह से आप अगर आपके पेज पे इमेज लगी हुई है, इमेज पे आप ऑल टैग लगा रहे हो, सो दैट विल बी पार्ट ऑफ ऑन पेज एसईओ. इसी तरह से आप अपनी साइट पर साइट मैप लगा रहे हो, वो ऑन पेज होगा. आप मेटा टैग्स बना रहे हो, वो ऑन पेज होगा. ये चीज़ें आपको अगर मालूम नहीं पता है कि मेटा टैग क्या होता है, तो उसमें आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जब आप ट्रेनिंग करेंगे तो उसमें चीज़ आपको चल जाएंगी पता, मेटा टैग क्या होता है. बाय द वे, अगर आप जानना चाहते हैं अभी, तो मेटा टैग हम आपके सोर्स कोड में लगाते हैं, वेबसाइट के सोर्स कोड में लगाते हैं, हर एक पेज पे लगाते हैं आप. उससे जो गूगल का SERP होता है, SERP मीन्स सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज, जब आप गूगल पे कोई चीज़ टाइप करते हैं, जो रिजल्ट पेज आता है उसे हम SERP कहते हैं. तो SERP में आपका मेटा टैग ही शो होता है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड URL. तो मेटा टैग कैसे बनाते हैं वो सब चीज़ें आगे होंगी, मैं आपको बताता हूँ. तो ऑन पेज चेंजेस क्लियर हो गया कि ऑन पेज चेंजेस मतलब जो हम जो चेंजेस हम अपने साइट पर या फिर पेजेस पे करते हैं वो ऑन पेज चेंजेस कहलाते हैं. ठीक है, तो ऑन पेज चेंजेस के बाद ऑफ पेज चेंजेस होता है. एक हल्का सा ब्रीफ ले लो आप. ऑफ पेज चेंजेस मतलब वो चेंजेस जो हम अपनी साइट पर ना करके दूसरी साइट्स पर करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आर्टिकल सबमिट कर रहा हूँ या मैं ब्लॉग बना रहा हूँ, तो ब्लॉग आप अपनी साइट पर भी पोस्ट कर सकते हैं, बट अगर आप थर्ड पार्टी ब्लॉग हैं, जैसे कि blogspot.com पे बनाते हो, wordpress.com पे बनाते हो एक ब्लॉग, उससे अपनी साइट को लिंक दे सकते हो, तो वो बैकलिंक प्रोसेस होता है, लिंक बिल्डिंग कहते हैं. तो लिंक बिल्डिंग के लिए जो एक्टिविटी यूज़ होती है उसे हम ऑफ पेज एसईओ कहते हैं. उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं ऑफ पेज में, वो आगे मैं कवर करता हूँ. ठीक है, इन दिस वीडियो अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आपको चीज़ समझ नहीं आ रही है, इन दैट केस यू कैन ओपन द वेबसाइट www.webtrainingonline.com. विल फाइंड माई कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. आप मुझे वहाँ से पूछ सकते हो, आप मुझसे ट्रेनिंग करते हो नहीं करते हो, दैट्स नॉट एन इशू. आप अगर ट्रेनिंग मुझसे नहीं भी करते हो बट आपको कोई क्वेश्चन है, यू कैन कॉल मी एनी टाइम. एंड ओके, सो ऑन पेज ऑफ पेज का आपको बेसिक आइडिया मिल गया है. अभी हम मान लो कोई कैंपेन हमें स्टार्ट करना होता है, उसे कैसे स्टार्ट करते हैं? सो कैंपेन, ये थोड़ा सा इससे ऑफ टॉपिक हम अभी हो रहे हैं, ऑन पेज एक्टिविटीज यहाँ पे मैंने नीचे लिखी हैं, बट इसके पहले एक चीज़ आप देख लो कि हम किसी कैंपेन को, ऐसे प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट करते हैं. हम जब किसी जिसको मान लो एक साल एक्सपीरियंस है, दो साल एक्सपीरियंस, हम कहते हैं कि आप कैसे कैंपेन स्टार्ट करोगे, वो सीधा कहते हैं कि सर हमें एक साइट मिलेगी, हम उसे एनालाइज कर लेंगे, कीवर्ड निकाल लेंगे, मेटा टाइप बना देंगे और उसके बाद हम उस पर काम स्टार्ट कर देंगे. बट दिस इज नॉट द राइट वे. जिनको ऐसे की थोड़ी नॉलेज, उनको शायद लग रहा हो कि ये सही तरीका तो यही है, बट आप ऐसा क्यों कह रहे हो? तो ये रीज़न इसलिए है बिकॉज जब आप किसी कैंपेन पे काम स्टार्ट करते हो, अगर साइट बहुत नई है, इन दैट केस यू डोंट हैव एनीथिंग टू लूज़. आपके पास कुछ नहीं है जो खो जाए या फिर जो हार्म हो जाए, नुकसान हो जाए जिसका. बट अगर साइट पे पहले थोड़ा बहुत काम हुआ है या फिर साइट पुरानी है, साइट पे बहुत सारे पेजेस हैं, तो हो सकता है उस साइट पे काफ़ी ट्रैफिक पहले से ही आता हो, या फिर कुछ कीवर्ड्स हों, कुछ लैंडिंग पेजेस हों जो अच्छा रैंक कर रहे हैं ऑलरेडी. सो यू शुड एनालाइज एवरीथिंग. यू शुड एनालाइज गूगल सर्च कंसोल में कितनी क्वेरीज आ रही हैं, सर्च क्वेरीज कितनी हैं, वो कहाँ पे, उनका इंप्रेशन कितना है, उनका एवरेज पोजीशन क्या है, किस कंट्री में कितना रैंक कर रही हैं इन स्पेसिफिक ड्यूरेशन. और गूगल एनालिटिक्स में आपको देखना चाहिए किन पेजेस पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है. मैं यही रिकमेंड करूँगा स्टार्टिंग में, अगर किसी पेज में बहुत सारा ट्रैफिक पहले से ही आ रहा है, उसे आप चेंज मत करिए अभी स्टार्टिंग में, बिकॉज आप चेंज कर देंगे फिर नए चेंजेस को कैश होने में थोड़ा टाइम लग जाता है. उस केस में आपकी साइट पे जो विजिटर्स होंगे वो विजिटर्स कम दिखेंगे, और नेक्स्ट टाइम अगर आप रिपोर्ट भेजते हैं क्लाइंट को, सो क्लाइंट में नॉट लाइक दैट रिपोर्ट.
बिकॉज वहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा उनको कि ट्रैफिक डाउन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. तो पहले कभी भी किसी कैंपेन को स्टार्ट करने से पहले उसको प्रॉपर आप उसका सर्च कंसोल गूगल एनालिटिक्स में जाकर एनालाइज कर लो कि कहाँ पे क्या रैंक कर रहा है. अगर आपके पास कोई पेड टूल है लाइक वी यूज़ एचरफ्स टूल होता है उसको हम यूज़ करते हैं, वो आपके पास है, वो भी आपको काफ़ी डिटेल बता सकता है कौन से पेजेस के रैंक करते हैं, कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं. उन पे ज़्यादा चेंजेस अभी मत करिए स्टार्टिंग में. जो पेज परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको ऑप्टिमाइज करिए, या फिर जो साइट में बहुत सारे पेजेस हैं आपको ज़रूरी नहीं है कि जो एक दो तीन पेज ही परफॉर्म करते हैं मैक्सिमम अच्छे केस में, अगर साइट बहुत छोटी है तो उन तीन को छोड़ के बाकी पेजेस थोड़ा फोकस कर लो. अगर करना भी चाहते हो उन केस, मान लो आप वही कीवर्ड है वही पेज रिलेवेंट लग रहा है, तो कम चेंजेस करो. बहुत ज़्यादा अचानक ही पूरा चेंज मत कर दो. आपको लगता है कि चीज़ें रिलेवेंट है इन दैट केस यू कैन डू दैट. अगर लगता है रिलेवेंट नहीं, थोड़ा आप चेंज कर रहे हो कीवर्ड, जो थीम है दैट इज़ बिट डिफरेंट, तो स्टार्टिंग उसे चेंज नहीं करना चाहिए. वो हम आगे और कवर कर लेंगे, बट अभी हम मूव करते हैं कि ऑन पेज ऑफ पेज एक्टिविटीज़ क्या होती हैं. ऑन पेज में बेसिक हम वेबसाइट एनालिसिस भी करते हैं एक बार पता करने के लिए क्या इनकी साइट पे हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या हमें करना है. सो सेकेंड इज़ robots.txt फाइल. हम रोबोट्स फाइल बनाते हैं. रोबोट्स फाइल होती क्या है? रोबोट्स फाइल एक ऐसी फाइल होती है, एक टेक्स्ट फाइल होती है, .txt है, मैंने लिखा भी वहाँ पर .txt एक्सटेंशन. .txt मतलब टेक्स्ट फाइल है, नोटपैड की फाइल है. इस फाइल के थ्रू आप किसी आपका कोई पेज है, आप चाहते हो कि पेज गूगल में इंडेक्स ना हो या फिर और किसी सर्च इंजन में इंडेक्स ना हो, या फिर आप चाहते हो कोई फोल्डर ही ब्लॉक हो जाए, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो robots.txt से. ओके, कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन. कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन होता है आपके जो पेज है, जो आप कंटेंट्स पे लिखा हुआ है उसको ऑप्टिमाइज़ करना. क्या वहाँ पे हेडिंग टैग लगा हुआ है, H1 H2 लगा हुआ है, कीवर्ड डेंसिटी मतलब कि आपका जो कीवर्ड है कितनी बार रिपीट हुआ है उस कंटेंट में. अभी जो एक रेशियो है वो 2% कहते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि आपके जो कीवर्ड्स हैं कितने कीवर्ड आप टारगेट कर रहे हो, और उन कीवर्ड्स में जो एक से दो बार जो वर्ड्स हैं वो कितने रिपीट हो रहे हैं. तो ज़्यादा कीवर्ड डेंसिटी रखना सही नहीं होता है, बिकॉज उससे कंटेंट की सेंस जो होती है वो बेकार हो जाती है, और कंटेंट जो होता है वो यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं रह जाता है. सो कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करने के लिए बहुत से लोगों से पूछोगे कंटेंट कैसे ऑप्टिमाइज़ करते हो, दे विल सिंपली से कि कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करके. बट कीवर्ड डेंसिटी ही अकेला फैक्टर नहीं होता है, कीवर्ड डाइवर्सिटी भी होता है, LSI भी होता है, और कीवर्ड प्रॉक्सिमिटी एंड कीवर्ड प्रोमिनेंस भी आपको मेंटेन करना चाहिए. वो सब चीज़ें आगे जब भी आप कोर्स करते हैं या फिर कोई आप क्वेश्चन होता है मुझसे पूछते हो मैं आपको बताता हूँ फिर आगे. सो ऑल टैग मतलब गूगल जो होता है वो आपके जो इमेज लगी हैं, इमेज देख के वो डिटर्मिन नहीं कर पाता है कि इमेज किस लिए है. तो बेटर होता है कि ऑल टैग लगा दो आप. ऑल टैग मतलब अगर इससे दो बेनिफिट हो जाएंगे. पहला कि गूगल ये अंडरस्टैंड कर लेगा कि आपकी जो इमेज है वो किस बारे में है. अगर ताजमहल की इमेज आपने लगा रखी है अपनी साइट पर तो वहाँ पर लिख दो ऑल टैग में ताजमहल, जिससे गूगल को भी चल जाए पता कि ये ताजमहल की इमेज है. सेकेंड थिंग, जब गूगल पर कोई चीज़ सर्च करते हैं हम, तो गूगल कई फॉर्म में रिजल्ट दिखाता है, वीडियोज़ दिखाता है, टेक्स्ट दिखाता है, इमेजेस दिखाते हैं. अगर आप ऑल टैग लगाए रहेंगे तो आपका जो आपकी इमेज होगी वो इमेज रिजल्ट में शो हो जाएगी और वहाँ से भी आपको ट्रैफिक मिल सकता है. हेडिंग टैग ऑप्टिमाइजेशन. हेडिंग मैंने बता दिया है कंटेंट में ही कि H1 H2 आप हेडिंग लगा दो. कीवर्ड रिसर्च सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑन पेज का, कीवर्ड रिसर्च. बिकॉज अगर आपने बगैर कीवर्ड रिसर्च किए ही अपने कीवर्ड्स को साइट पर मैंने टैग में डाल दिया, उसको अपने फोकस करना स्टार्ट कर दिया, सो योर इंटायर कैंपेन मे नॉट बी दैट फ्रूटफुल. तो बेटर है आप कीवर्ड रिसर्च करो. कीवर्ड रिसर्च मतलब आप जो क्वेरीज हैं, जब मैं कोई चीज़ गूगल पर टाइप करता हूँ सो दैट विल बिकम ए क्वेरी. अगर मैं टाइप करता हूँ फॉर एग्जाम्पल SEO ट्रेनिंग, तो वो एक क्वेरी हो गई. अब उस क्वेरी पे मेरी साइट अगर ऊपर आती है, मैं चाहता हूँ कि मेरी साइट ऊपर आए, तो मुझे जो क्वेरी है वो, जिसे कीवर्ड भी हम कह सकते हैं, उस कीवर्ड को मुझे अपनी साइट पर टारगेट करना होगा. तो कीवर्ड सर्च हम करेंगे कैसे? कीवर्ड सर्च करने के बहुत से टूल्स हैं, बट जो सबसे रिलायबल आप कह सकते हैं बिकॉज हम गूगल के लिए ही मेनली काम करेंगे, तो गूगल का जो टूल है गूगल एडवर्ड कीवर्ड प्लानर, उस कीवर्ड टूल के थ्रू आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं. जब आप कोर्स करेंगे या फिर और बहुत से टूल्स हैं लाइक गूगल ट्रेंड्स भी होते हैं, और इस तरह के बहुत से टूल्स हैं जो यूट्यूब की सर्चेस भी दिखाते हैं, और विकीपीडिया पे जो सर्च होती हैं वो भी दिखा सकते हैं. आप ये भी देख सकते हो कि
जो और सर्च इंजन्स हैं उन पे क्या चीज़ ज़्यादा सर्च हो रही है, तो वो सब चीज़ें भी आप देख सकते हो। बहुत से टूल्स होते हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री भी हैं। कीवर्ड टूल डॉट आई ओ भी एक टूल है, तो गूगल जो गूगल एड कीवर्ड प्लानर है दैट इज़ फ्री और मैक्सिमम केस में वही यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है कि कंपटीशन रिसर्च भी हमें करनी चाहिए ऑन पेज में। ऑन पेज से पहले ही हो सकता है ये, जब आप किसी साइट के प्रपोजल बना रहे हो, आप साइट पे काम स्टार्ट करना है, इन दैट केस विल हैव टू चेक कि आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। बिकॉज अगर आपके कॉम्पिटिटर बहुत स्ट्रांग हैं, इट डजेंट मीन कि आप वो काम करेंगे ही नहीं, बट आपको एक एक्शन प्लान बनाना होगा कि वो किस कीवर्ड पर रैंक करते हैं, जिन कीवर्ड्स पर रैंक करते हैं वो किस पेज पर टारगेट कर रहे हैं, उस पेज के कितने बैकलिंक्स हैं, वो पेज कितना ऑप्टिमाइज्ड है, जो कॉम्पिटिटर है उसके बहुत सारे फैक्टर में चेक करने होते हैं, उसकी डोमेन अथॉरिटी क्या है, पेज अथॉरिटी क्या है, उस पर नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं, उसकी लोड स्पीड कितनी है, उसकी डोमेन एज कितनी है, और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसके टोटल नंबर ऑफ बैकलिंक कितने हैं, रेफरिंग डोमेन्स कितने हैं, उसका एंकर टेक्स्ट डिवीजन कितना है, डू फॉलो नो फॉलो लिंक के परसेंटेज कितने हैं, उस पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, उसका एलेक्सा रैंक ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, उससे ब्लॉग पोस्ट में ब्लॉग किस तरह के ऑप्टिमाइज़ किए हैं, ब्लॉग टॉपिक आइडियाज़ किस तरह के वो यूज़ कर रहा है, तो और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो हमें चेक करने होते हैं। उसके बाद हम मेटा टैग भी होता है, जब हम कीवर्ड रिसर्च कर लेते हैं तो हमें मेटा टैग बनाना होता है। मेटा टैग मतलब टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन। तो हम टाइटल डिस्क्रिप्शन में नहीं बनाते हैं, कीवर्ड टैग भी यूज़ नहीं होता है, उसकी खास इंपॉर्टेंस भी नहीं है, तो उसको आप इग्नोर कर सकते हैं, बट टाइटल डिस्क्रिप्शन आपको बनाना होता है जिससे कि आपकी साइट को वेटेज मिले उस कीवर्ड के लिए और आपको एक बूस्ट मिल सके, आप रैंक कर सकें। तो मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज मेटा टैग ही SERP मतलब गूगल सर्च रिजल्ट में शो होता है, और अगर मेटा टैग आपका अट्रैक्टिव है, आपने वहाँ पे CTA वर्ड होते हैं, कॉल टू एक्शन, अगर आपने CTA वर्ड्स यूज़ किए हुए हैं तो आपकी साइट पे ट्रैफिक अच्छा आएगा, क्लिक्स अच्छा आएंगे। अगर आपकी साइट को कोई 10 लोग देख रहे हैं, 3 लोगों ने उस पर क्लिक कर दिया उस रिजल्ट पे, तो कहते हैं CTR मतलब क्लिक थ्रू रेट, तो उसका क्लिक थ्रू रेट हो गया आपका 30% कि 10 लोगों ने देखा और 3 लोगों ने क्लिक किया, तो 30% इसका CTR है। तो CTR बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, आपको ये मेटा टैग ऑप्टिमाइज करके ही आप CTR को इम्प्रूव कर सकते हैं। कुछ चीज़ें और भी होंगी कि आपने CTR तो इम्प्रूव कर लिया बट आपके साइट पर ट्रैफिक आ गया, बट ट्रैफिक कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो क्या करना चाहिए। तो ट्रैफिक आ गया है, उसे कन्वर्ट करने के लिए भी हम CRO करते हैं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। वो सब चीज़ें आगे होंगी, वो बहुत एडवांस लेवल पर हो जाएगा अभी आपके लिए। ओके, सो मेटा टैग क्रिएशन हमने कर लिया है। मेटा रोबोट्स भी एक टर्म होता है, एक एक्टिविटी होती है ऑन पेज में। मेटा रोबोट्स के थ्रू भी हम किसी पेज को, अगर आप चाहें, उसे नो इंडेक्स कर सकते हैं, नो फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि वो पेज गूगल में इंडेक्स ना हो या फिर और सर्च इंजन्स में इंडेक्स ना हो। अब यहाँ पर ये काम तो हम robots.txt फाइल से भी कर सकते थे, वो भी इसी के लिए यूज़ होती है, बट मेटा रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं। ओके, सो इसका एडवांटेज ये होता है कि मेटा रोबोट्स अगर आप यूज़ करते हैं, इन दैट केस यू विल हैव टू इम्प्लीमेंट मेटा रोबोट्स ऑन एवरी पेज। अगर आपकी साइट पर 1,00,000 पेजेस हैं, तो या तो आप हेडर फाइल जाके करिए या फिर आप जाके एक एक पेज पे करिए, सो दैट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और उससे जो ब्लॉकिंग होगी उतनी परफेक्ट नहीं हो पाएगी, बिकॉज आप जैसे फोल्डर ब्लॉक करना है वो सब चीज़ें आप सही तरह से नहीं कर पाएंगे। बट robots.txt से आप सिर्फ एक लाइन लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने नहीं लिखा हुआ है वो, आप मान लो लिखते हैं यूज़र एजेंट :*, आपने डिसअलाउ करके स्लैश लगा दिया, आपकी पूरी साइट ब्लॉक हो जाएगी। अगर आपकी साइट पर 1,00,000 पेजेस है ना, गूगल उन 1,00,000 पेजेस को इंडेक्स नहीं करेगा। सो आप robots.txt फाइल में सिर्फ एक जगह डिफाइन करके पूरी साइट को मैनेज कर सकते हैं, बट इन मेटा रोबोट्स यू विल हैव टू डू इट ऑन एवरी पेज। कहीं कहीं इसका एडवांटेज भी होता है, मान लो अपनी पूरी साइट को तो इंडेक्स करा दिया, बट आप चाहते हो कि एक पेज में ब्लॉक कर दो, तो आप एक पेज के लिए आप मेटा रोबोट लगा दो, आपको रोबोट्स फाइल पर जाने की जरूरत नहीं है, बट बेटर होता है कि आप रोबोट्स फाइल से ही मैनेज करो। ठीक है, उसके बाद एक टूल होता है गूगल का, गूगल एनालिटिक्स। एनालिटिक्स टूल आपका यूज़ होता है ट्रैफिक मॉनिटर करने के लिए। सो आपकी साइट पे कितना ट्रैफिक आ रहा है, ट्रैफिक किस सोर्स से आ रहा है, ट्रैफिक किस सिटी से आ रहा है, कितना बाउंस रेट है, कितने लोग कन्वर्ट हो रहे हैं, कितना गोल आपका आ रहा है, वो सब चीज़ें आप गूगल एनालिटिक्स से आप ट्रैक कर सकते हो। गूगल का ही दूसरा टूल है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल में वेबमास्टर्स के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक आपने साइट में अपडेट किया है कि नहीं, नहीं किया तो आप अपडेट कर दीजिए। आपको मान लो टारगेट करना है गूगल, फॉर एग्जांपल आपको इंग्लैंड टारगेट करना है UK, तो वहाँ पे इंटरनेशनल टारगेटिंग का भी ऑप्शन मिलता है, आप जाके इंटरनेशनल टारगेटिंग सेट कर सकते हो। गूगल आपकी साइट को ट्रैक कर पाएगा, रीड कर पाएगा कि नहीं, वो जाके वहाँ पे टूल्स होते हैं फेच एस गूगल बोट, आप वो देख सकते हो, वो कर सकते हो। आपकी साइट पे कितने बैकलिंक्स बने हैं,
वो आप जाके बैकलिंक समरी वहाँ पे देख सकते हो गूगल सर्च कंसोल में। तो गूगल एनालिटिक्स, गूगल सर्च कंसोल काफ़ी यूज़ होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल हैं। ऑन पेज का ही पार्ट होता है साइट मैप। हम साइट मैप डॉट एक्सएमएल बनाते हैं, साइट मैप डॉट एचटीएमएल भी बनाते हैं। एक्सएमएल मेनली होता है हमारे सर्च इंजन क्रॉलर्स के लिए, सर्च इंजन बोर्ड्स के लिए। यहाँ पे आप काफ़ी चीज़ें डिफाइन करते हो, लाइक आपकी साइट पे फॉर एग्जांपल उस पेज जो पेज आप वहाँ पर दिखा रहे हो, इसके टूल्स भी आते हैं, टूल्स आप बना सकते हो, बट आपको काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको मैनुअली वहाँ पर करनी चाहिए, लाइक चेंज फ्रिक्वेंसी कितनी है उस पेज की, आप उस पेज को वीकली चेंज करोगे, आवर्ली चेंज करोगे, वो सब वहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो। वो जो पेज है वहाँ पर साइट मैप में जो मेंशन किया है आपने, उस पेज की प्रायोरिटी क्या है। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आप सर्च इंजन बोर्ड्स को इन्फॉर्म कर सकते हो कि ये पेज मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रायोरिटी ये है, और चेंज फ्रिक्वेंसी मैं इसको वीकली चेंज करता हूँ, तो आप आके इसे कैश करिए, एक रिक्वेस्ट टाइप का होता है, उसे जब सबमिट करोगे तो उनको एक आईडी मिल जाएगा कि हाँ आप अपने पेज को वीकली अपडेट करोगे, तो उनका क्रॉलर कोशिश करेगा वीकली आपके साइट को एक बार आके कैश करे। बट अगर आप उसको नहीं करते हो तो गूगल उसको ऑटोमेटिकली कर लेता है, गूगल बाउंड नहीं है कि आपकी वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ही करे। alexa.com एक टूल है, एक ऑनलाइन साइट है, ऑनलाइन टूल है, जहाँ से आप अपनी साइट का अलेक्सा रैंक देख सकते हो। अलेक्सा रैंक मतलब वो साइट ग्लोबल या फिर नेशनल लेवल जो भी आप वहाँ पे रैंकिंग दिखा रहे हैं, उस कौन से लेवल की साइट है, कौन से नंबर की ज़्यादा देखी जाने वाली साइट है। अगर आपकी साइट की अलेक्सा रैंक मान लो 1000 है, इसका मतलब है कि 999 साइट इससे अच्छी हैं जिन पर ज़्यादा ट्रैफिक आता है, 1000वीं आपकी है। तो अलेक्सा रैंक जितनी कम होगी उतना आपके लिए अच्छा है। अगर अलेक्सा रैंक 10 है वो अच्छा है रदर देन 100। बट मैक्सिमम केस में अगर आप कभी किसी एसईओ कैंपेन पे काम करते हो, नए प्रोजेक्ट पे काम करते हो, तो उनके अलेक्सा रैंक तो लाखों में होती है। तो जितनी कम अलेक्सा रैंक होगी उतनी आपकी साइट अच्छी होती है, उस पर उतना ट्रैफिक होता है, क्योंकि अलेक्सा का जो मेन फैक्टर है जिस पर वो डिटरमिन करता है वो ट्रैफिक है। तो अलेक्सा रैंक बढ़ानी है, अलेक्सा रैंक आपको अच्छी करनी है, मतलब कम करनी है, इन दैट केस विल हैव टू इम्प्रूव ट्रैफिक ऑन योर साइट। ऑन पेज में ही हम ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, क्योंकि ब्लॉग क्लाइंट ने पोस्ट कर दिया है ब्लॉग, अब उसे आपको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, इंटरनल लिंकिंग कैसे करनी है, उस पर टाइटल मैटर कैसे डालना है, और उस पर आपको हेडिंग कैसे लगानी है, जो इमेजेस लगा रहे हैं उस पर ऑल टैग्स और तमाम चीज़ें होती हैं। अगर ब्लॉग तो बेटर तरीका होता है कि जब आप ब्लॉग ऑप्टिमाइज करवा रहे हो उसके पहले ही आप क्लाइंट को कीवर्ड रिसर्च करके, क्योंकि आप गूगल प्लानर से भी कर सकते हो कीवर्ड प्लानर से, और जो पेड टूल्स आते हैं उनसे भी आप कीवर्ड रिसर्च कर सकते हो, बता सकते हो कि कौन से टॉपिक पे आपको ट्रैफिक कौन से टॉपिक पे आपको ब्लॉग लिखवाना चाहिए जिससे आपको अच्छा ट्रैफिक मिले। तो वो भी इसका पार्ट हो सकता है कि आप पहले टॉपिक सजेस्ट कर रहे हो, उसके बाद उसने कंटेंट लिख दिया है, पोस्ट कर दिया है, अब उसका यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होगा ब्लॉग पोस्ट का, टाइटल डिस्क्रिप्शन क्या होगा, इमेजेस आप लगा रहे हो तो उस पर ऑल टैग क्या होगा, इंटरनल लिंकिंग कर दो आप ना, तो उस तरह काफ़ी चीज़ें करके आप ब्लॉग को ऑप्टिमाइज कर सकते हो जिससे कि वो रैंक करे और उससे भी आपको काफ़ी अच्छा ट्रैफिक मिलना स्टार्ट हो। ब्लॉग पोस्ट ऑप्टिमाइजेशन हो गया है, अब लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन, वो वही था लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन में कि आपका यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होगा, आप कीवर्ड रिसर्च के बेसिस पे मेटा टैग बना लो, वो भी हो गया है, हेडिंग्स आप लगा लो, और हेडिंग टैग लगने के बाद उसकी लोड स्पीड कितनी है पेज की वो सब चेक कर लो, जहाँ प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो चीज़ें आप रिजॉल्व कर लो। तो लैंडिंग पेज ऑप्टिमाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज आपका जो यूज़र है, कोई क्लाइंट है, वो पहले साइट बनवाता है, उसके बाद वो एसईओ हायर करता है, आफ्टर सम टाइम वो डिपेंड करता है कि कंपटीशन कितना है, साइट चलो रैंकिंग में भी आ गई है, बट अगर लैंडिंग पेज ही अच्छा नहीं है इन दैट केस यू विल नॉट बी एबल टू कन्वर्ट दैट विजिटर। विजिटर आपके साइट पर तो आ गया बट वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, वो आपकी सर्विस को नहीं लेगा। तो बेटर है कि आप लैंडिंग पेज को ऑप्टिमाइज करो पहले। यूआरएल ऑप्टिमाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, यूआरएल स्ट्रक्चर किस तरह से होना चाहिए आपके वेबसाइट्स का, लाइक आपको अंडरस्कोर लगाना है, डैश लगाना है, तो हाइफन लगाते हैं, अंडरस्कोर नहीं लगाते हैं ना, ये वाला शख्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप जो कीवर्ड्स हैं वो उसके यूआरएल में होना चाहिए, इससे बेनिफिट ये भी होता है कि एक तो जब आप कोई चीज़ सर्च करते हैं गूगल को ही पता है कि आपने उस बारे में ही पेज लिखा है, बिकॉज पेज नेम वही है, यूआरएल वही है। उसके बाद जब यूज़र उसको एससीआरपी सर्च रिजल्ट देखेगा उस पेज को, उसे लगेगा हाँ आपने इसी बारे में चीज़ लिखी है, वो इस पर क्लिक भी कर देगा, तो सीटीआर भी इम्प्रूव हो जाता है इससे। ऑन पेज में ही हम रिच स्निपेट्स भी बताते हैं। रिच स्निपेट क्या होते हैं? एसईआरपी में ही कुछ आप एक्स्ट्रा
इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, लाइक रेटिंग. कभी कभी आप कोई चीज़ देखते हैं साइट्स, उन पर रेटिंग लिखी होती है कि आउट ऑफ 5 इतने लोगों ने रेट किया, तो वो स्निपेट के थ्रू हम करते हैं schema.org के थ्रू. तो इससे भी CTR काफ़ी अच्छा आपका इम्प्रूव हो जाते हैं. AMP बारे में भी आपको हम बताते हैं. AMP क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं और ये बेनिफिशियल है कि नहीं, क्या इसका बेनिफिट है. और उसके बाद आता है URL मैपिंग. URL मैपिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. मैंने सब लोग देखे हैं कि फॉर एग्जांपल आपको काफ़ी नॉलेज है और मैं आपसे कोई चीज़ पूछता हूँ कि आपने कीवर्ड तो ले लिए, आपकी साइट पर 2 लाख पेजेस पड़े हुए हैं, अब आपको पता करना है कि इस पेज को, किस कीवर्ड को मैं किस पेज पर टारगेट करूँ, तो आप कैसे करोगे. कोई कहता है मेन्यू देखूंगा, कोई कहता है कि मैं साइट पर सर्च कर लूँगा, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, बट इसका भी तरीका अलग होता है. तो कि आपको कैसे फाइंड करना है कि कौन सा पेज रिलेवेंट है, किस पेज को मुझे टारगेट करना चाहिए, उसे हम कहते हैं URL मैपिंग. तो वो भी आपको हम बताते हैं. अभी हम ऑन पेज की एक्टिविटीज़ थी ये सब, अभी हम ऑफ पेज मूव करते हैं कि ऑफ पेज होता क्या है. मैंने आपको जैसे पहले बताया कि ऑफ पेज लिंक बिल्डिंग, आप इसे लिंक बिल्डिंग ही कह सकते हो, और इसमें आप अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक सुनाते हो. जो SEO पहली बार कर रहे हैं और उनको बैकलिंक का इतना आइडिया नहीं है, आप बैकलिंक सिर्फ ये सोच सकते हो कि बैकलिंक एक वोट होता है आपकी साइट के लिए. अगर आप अच्छा बैकलिंक बनाते हो तो पॉजिटिव वोट, अगर आप गंदा बैकलिंक आपने बना दिया बाई मिस्टेक तो वो आपकी साइट के लिए निगेटिव वोट. तो अगर निगेटिव वोट होगा तो आपकी साइट को हार्म भी करेगा. वो आगे की चीज़ है, अगर हार्म करता है तो आप उसे कैसे, उस बैकलिंक को, जो बैकलिंक है जो आपकी साइट को हार्म कर रहा है, कैसे उसे आप चेक कर सकते हो, कैसे उसको आप इशू को रिजॉल्व कर सकते हो, उसके लिए फिलहाल हम एक डिसअवाउ फाइल बनाते हैं. डिसअवाउ फाइल बना के हम गूगल सर्च कंसोल में सबमिट कर देते हैं और गूगल उस फाइल को प्रोसेस कर देगा. जो गंदे बैकलिंक्स हैं, जिस भी आपने उस फाइल में मेंशन किए हैं, गूगल उनको कंसिडर ही नहीं करेगा आपकी साइट के लिए. तो जो पेनल्टी के चांसेस हैं दोज विल बी रिड्यूस्ड. ओके, सो अभी हम मूव करते हैं कि बैकलिंक क्वालिटी कैसे चेक करते हैं. बैकलिंक की क्वालिटी के काफ़ी फैक्टर्स होते हैं चेक करने के लिए, कि बैकलिंक किस सोर्स से आ रहा है, वो साइट की अथॉरिटी क्या है, वो साइट की रिडायरेक्शन तो नहीं कोई लगा रही है, उस साइट पे बैड नेबर्स तो नहीं है, उस साइट पे जो कंटेंट है वो कितना रिलेवेंट था, वो पेज कितना रिलेवेंट है जहाँ से आपने लिंक लिया हुआ है, कितने आउटगोइंग लिंक्स हैं. तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उस साइट के भी, जिसके बेसिस पे हम डिटरमिन करते हैं कि वो लिंक जहाँ से आप लिंक ले रहे हो वो कितना इंपॉर्टेंट था और कितना उसकी क्वालिटी कितनी अच्छी है. ऑफ पेज एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं. डायरेक्टली सबमिशन भी करते थे पहले, बट डायरेक्ट सबमिशन भी यूज़फुल नहीं रह गया है बिकॉज उसमें काफ़ी स्पैमिंग थी और लोग टूल्स के थ्रू भी करते थे. बहुत सारे टूल्स थे जो ऑटोमेटिक सबमिशन करते थे. इसमें अप्रूवल भी काफ़ी देर से होता था, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में अप्रूवल होता था, और वो भी कोई गारंटी नहीं थी कि अप्रूवल मिले ना मिले. तो इससे कोई जो आपके एफर्ट्स थे वो फ्रूटफुल नहीं थे और जो लिंक क्वालिटी थी वो भी अच्छी नहीं थी. तो डायरेक्टली सबमिशन बंद हो गया है, उसे नहीं करते हैं. अगर कोई आपसे कहता है कि लोकल बिजनेस डायरेक्टली सबमिशन, उससे आप कन्फ्यूज़ मत होना, बिकॉज लोकल बिजनेस डायरेक्टली सबमिशन इज़ डिफरेंट थिंग. जैसे कि जो लोग इंडिया से हैं वो समझते हैं कि जो लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जस्ट डायल है, सुलेखा है, आप वहाँ पे जाके अपने साइट्स को लिस्ट कर सकते हो, अपने सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हो. तो वो लोकल बिजनेस डायरेक्टरीज वो अलग हैं और जो डायरेक्टरी सबमिशन था वो अलग था. सोशल बुक मार्किंग, सोशल बुक मार्किंग का जो फैक्टर था वो भी काफ़ी अच्छे बैकलिंक यहाँ पे नहीं मिलते हैं अभी. कुछ अच्छी साइट्स हैं लाइक स्टम्बल अपॉन, रेडिट, जिन पे आप यूज़ कर सकते हो, बट जो मैक्सिमम साइट्स हैं वो अच्छी नहीं होती सोशल बुक मार्किंग की. तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा. सी, जो ऑफ पेज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. लोग कहते हैं कि ऑफ पेज तो बड़ा आसान है, कुछ करना नहीं, कॉपी पेस्ट करना है. वो डिपेंड करता है कि अगर आप अच्छे से करते हो चीज़ों को अच्छे से कर रहे हो, तो डायरेक्टली सबमिशन आप कभी नहीं करोगे, बिकॉज आपको पता है कि वो वेस्ट है. आपको सिर्फ आपने पढ़ लिया है, डायरेक्टली सबमिशन भी एक्टिविटी होती है. आप गंदी साइट से सबमिशन किए जा रहे हो, उसके बाद अल्टीमेटली आपके साइट पर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे रिजॉल्व भी नहीं कर पाएंगे अगर आपको नॉलेज नहीं है. तो इसलिए आप अच्छे लिंक्स बनाइए जो आपकी साइट के लिए बेनिफिशियल हो, जो यूज़र्स अगर उस लिंक से क्लिक करके साइट पर जा रहा है तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो. एंकर टेक्स्ट किस तरह लगाना है, लिंक बैलेंसिंग कितनी रखनी है आपको, डू फॉलो नो फॉलो के रेशियो कितना रखना है, एंकर टेक्स्ट ओवर ऑप्टिमाइजेशन नहीं होना चाहिए. तो बहुत सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करने चाहिए आपको ऑफ पेज के लिए. तो सोशल बुक मार्किंग में अच्छी साइट्स पे आप कंसिडर कर सकते हो. यहाँ पे लिंक अप्रूवल बहुत जल्दी हो जाता है, इन फ्यू सेकंड्स आपको एक बैकलिंक मिल जाएगा अपनी साइट के लिए. और अगर अच्छी साइट्स फॉर एग्जांपल रेडिट है, स्टम्बल अपॉन है, वहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक भी आपकी साइट पर आ जाता है. तो जो अच्छी साइट्स हैं उन पर आप काम करिए, और कैसे काम होता है वो हम सिखाते हैं आपको. और आर्टिकल सबमिशन
आर्टिकल सबमिशन भी हम बताते हैं. आर्टिकल एक इंफॉर्मेशन आप किसी टॉपिक के लिए आप लिख के पोस्ट कर सकते हो आर्टिकल डायरेक्टरीज पे, वो अप्रूव होता है. उसके बाद फिर आपको क्या एक्टिविटीज़ करनी हो तो भी आपको हम बताते हैं. लाइक उसके लिए भी आपको टियर्ड बैकलिंक बना लीजिए. और प्रेस रिलीज सबमिशन भी होता है. प्रेस रिलीज सबमिशन में अगर आप कोई प्रेस रिलीज सबमिशन, इसका जैसे नाम ही दिखा रहा है, अगर आप कोई नई सर्विस लॉन्च कर रहे हो, कोई डिस्काउंट दे रहे हो, कोई ऑफर दे रहे हो, उस केस में प्रेस रिलीज सबमिट कर सकते हो. प्रेस रिलीज सबमिशन साइट्स होती हैं. अच्छी साइट्स आप आइडेंटिफाई करिए, उनको आप उनके लिस्ट बनाइए, उन पर आप सबमिशन करिए. हम आपको मैक्सिमम लोग जो जिनको एक साल का नॉलेज है, डेढ़ साल नॉलेज है, दो साल, देखो नॉलेज आपको 10 साल की हो, अगर आप पढ़ते नहीं हो तो शायद आपको नॉलेज ना हो. अगर आपको नॉलेज 2 महीने की ही है या फिर आपने ट्रेनिंग की है, आपके आपको नॉलेज जिसने आपको ट्रेनिंग दी है वो आपको काफ़ी चीज़ें गाइड कर रहे हैं, तो आप 10 दिन बाद से काफ़ी चीज़ें जानते रहेंगे. तो बट आप जिसको कोई 6 महीने 1 साल एक्सपीरियंस है, उससे पूछना कि आर्टिकल ब्लॉग पीआर में डिफरेंस क्या होता है वेब कंटेंट में, तो मैक्सिमम केस में वो कन्फ्यूज रहते हैं. वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह का कंटेंट लिखवाना चाहिए, कैसा कंटेंट होना चाहिए इन एक्टिविटीज़ के लिए. क्लासिफाइड सबमिशन भी हम बताते हैं आपको. इन्फोग्राफिक्स कहते हैं कि एक इमेज 1000 वर्ड से अच्छी होती है, उसे इन्फोग्राफिक्स हम बनवाते हैं. इन्फोग्राफिक्स सबमिशन के थ्रू भी काफ़ी अच्छे आपको ट्रैफिक मिल जाते हैं, और जो लोग शेयर करते हैं फिर इन्फोग्राफिक्स वो भी आपको बैकलिंक देते हैं, तो लिंक अर्निंग भी हो जाती है, लिंक बेट भी हो जाता है, तो अच्छा होता है आपके लिए काफ़ी. ये भी आपको बनाना सिखाएंगे. वीडियो सबमिशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं. कुछ साइट्स कुछ इंडस्ट्रीज़ हैं जिनके लिए तो वीडियोज़ ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. लाइक आपको टिप्स देते हैं, आपकी कोई ब्लॉगिंग साइट है तो उसमें तो वीडियो सबमिशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. आप वीडियो पोस्ट करिए, फॉर एग्जांपल जैसे एसईओ ट्रेनिंग ही है, वीडियोज़ आपको काफ़ी मिल जाते हैं, तो वीडियो सबमिशन का भी इंपॉर्टेंस आप जानते हैं. अगर अभी वीडियो आप देख रहे हैं, इट सिंपली मीन्स कि यू नो इंपॉर्टेंस ऑफ वीडियो सबमिशन और वीडियोज़, तो वो भी आपको बताएंगे कि वीडियो सबमिशन कैसे करना चाहिए, वीडियो ऑप्टिमाइज़ कैसे करना चाहिए. पीपीटी सबमिशन, पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं उसका सबमिशन भी करते हैं, बिकॉज उससे भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आता है. अच्छी साइट्स भी हैं लाइक slideshare.net, इस तरह की साइट्स हैं जो भी आपको अच्छे बैकलिंक्स भी मिल जाएंगे, उसके बाद अच्छा ट्रैफिक भी वहाँ से आपको मिल जाता है. क्वेश्चन एंड आंसर वेबसाइट्स भी होती हैं लाइक याहू आंसर है, क्वेरा है, तो उन पर भी सबमिशन आपको बताते हैं कैसे इन पर काम करना होता है और कैसे इनसे हाई क्वालिटी ट्रैफिक आपकी साइट को मिल सकता है. तो मेनली ये ऑन पेज ऑफ पेज में ये मेनली एक्टिविटीज़ होंगी. उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी होंगे लाइक डिफरेंस बिटवीन लिंक बिल्डिंग एंड लिंक अर्निंग. लिंक बिल्डिंग क्या है वो तो सभी बता देते हैं कि आर्टिकल ब्लॉग पीआर मैंने सबमिट कर दिया, इन्फोग्राफिक्स पीपीटी, लिंक बिल्डिंग मैंने कर ली, बट लिंक अर्निंग क्या है, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. एडवांस एसईओ से कहते हैं, और इसमें 5 एक्टिविटीज़ हैं. अगर आप ये एक्टिविटीज़ जानना चाहते हैं कि लिंक बिल्डिंग एडवांस में कौन कौन सी हैं, आप मुझे वेब ट्रेनिंग ऑनलाइन .com साइट पर जाके वहाँ पे आप मुझे मैसेज भेज दीजिएगा, आप ईमेल कर देना, मैं आपको उसकी लिस्ट प्लस एक ब्रीफ मेरे पास जो अटैचमेंट है मैं आपको वो भेज दूंगा, और लगभग 3 पेज होंगे, वो आप पढ़ सकते हैं कि लिंक अर्निंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं. बहुत इंपॉर्टेंट लिंक अर्निंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाई क्वालिटी लिंक से मिलते हैं सिर्फ, क्योंकि आप आर्टिकल सबमिट कर रहे हो, ब्लॉग कर रहे हो, पीआर कर रहे हो, उससे क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, बट लिंक अर्निंग से आपको एस्टेब्लिश्ड वेबसाइट्स एंड एस्टेब्लिश्ड पेजेस से भी लिंक मिलता है, तो काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं, काफ़ी हाई क्वालिटी बैकलिंक मिल जाएंगे. ये चीज़ें करने के बाद हम गूगल एनालिटिक्स का आपको इंट्रो देते हैं कि गूगल एनालिटिक्स में चीज़ें कैसे चेक कर सकते हो आप, कैसे आप ट्रैफिक कहाँ से आ रहा है, ऑर्गेनिक कितना है, रेफरल कितना है, सोर्सेज क्या हैं, कैसे सेटअप करते हैं एनालिटिक्स, वो सब चीज़ें आपको बताते हैं हम. गूगल सर्च कंसोल का भी इंट्रोडक्शन मिलेगा आपको. गूगल टैग मैनेजर का भी इंट्रो मिलता है आपको. गूगल एडवर्ड्स जो को पेड एड्स के लिए होता है उसका भी इंट्रोडक्शन आपको मिल जाएगा. सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन उसका भी एक इंट्रो मिल जाएगा कि आप मल्टीपल सोशल मीडिया प्रोफाइल्स होती हैं, जो साइट्स हैं उन पर आप कैसे काम करते हो, कौन कौन से टूल हैं जिनका आप यूज़ कर सकते हो, किस तरह से आप रिसर्च कर सकते हो. हैशटैग फॉर एग्जांपल, हैशटैग क्या किसी भी कीवर्ड पर लगा देना चाहिए, नहीं, उसके लिए भी जो रिसर्च होती है वो आपको बताएंगे कि हैशटैग रिसर्च कैसे करनी चाहिए, कैसे आपको डिटरमिन करना है कि कौन सा हैशटैग अच्छा होगा, किससे मुझे अच्छा ट्रैफिक मिल सकता है, किससे ऑनलाइन विजिबिलिटी मेरी इंप्रूव होगी. इसके बाद इसी टूल कोर्स में कुछ पेड टूल्स होते हैं लाइक वो रैंक है साइट एनालिसिस करने के लिए, वो आपको बताते हैं, उसकी ट्रेनिंग कराते हैं. एक टूल होता है एचरेफ्स, AHREFS, इसकी भी आपको ट्रेनिंग मिलती है कि जिससे आप साइट को एनालाइज कर सको, कंप्यूटर के लिंक चेक कर सको, उनके टॉप रैंकिंग कीवर्ड्स चेक कर सको,
उनके टॉप परफॉर्मिंग ब्लॉग पोस्ट चेक कर सको, कंटेंट आइडियाज़ निकाल सको। तो बहुत चीज़ें इसमें पेड टूल्स की भी होंगी, प्लस इसके साथ एक स्क्रीमिंग फ्रॉग भी टूल होता है ऑनलाइन, उसे डाउनलोड कर सकते हैं ऑनलाइन, फ्री होता है टूल। और ऑन पेज एनालिसिस के लिए, ऑन पेज रिकमेंडेशंस बनाने के लिए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टूल है। आप मेटा टैग्स को चेक कर सकते हो, 404 एरर्स चेक कर सकते हो। तो बहुत चीज़ें होंगी और टूल्स जो भी इंपॉर्टेंट हैं, फॉर एग्जांपल जहाँ होता है गूगल कीवर्ड प्लानर, ये भी आपको हम बताएंगे। सो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी ही चाहिए, और इसमें जो ये चीज़ें हैं ये काफ़ी एडवांस है। अगर आप गूगल एनालिटिक्स की जैसे ट्रेनिंग करते हो, कंप्लीट ट्रेनिंग, उसकी कंप्लीट ट्रेनिंग ही आपको लगभग एक महीने लगभग लग जाता है गूगल एनालिटिक्स सीखने में प्रॉपर तरीके से। गूगल एडवर्ड्स भी एक महीने का, आप मान के चलिए कि एक महीने का कोर्स होता है। तो इसमें जो आपको बताएंगे इस कोर्स में, वो उनका एक बेसिक होगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन होगा, कंप्लीट कोर्स नहीं। कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो गूगल एनालिटिक्स एंड गूगल एडवर्ड्स दोनों के ही हमारे अलग अलग कोर्स हैं हमारी साइट पर। और अगर आप ये जो भी मैंने आपको वीडियो बनाया हुआ है, ये वीडियो सिर्फ था एसईओ ट्रेनिंग के लिए। एनालिटिक्स ट्रेनिंग का हमारा अलग सेक्शन है, वो अलग कोर्स है। एडवर्ड्स ट्रेनिंग का कंप्लीट अलग कोर्स है। अगर जो इंट्रो है वो आपको इसी कोर्स एसईओ ट्रेनिंग में ही हम दे देते हैं। अगर आप कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो उसमें आपको एसईओ, एनालिटिक्स, एडवर्ड्स, ये आपको काफ़ी चीज़ें वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स होगा, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, वो 45 डेज का है। जो एसईओ ट्रेनिंग का कोर्स है वो 15 डेज का है। सो 15 डेज में मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि 15 डेज में आपको जितनी नॉलेज रहेगी, उतना एक साल के जो कैंडिडेट है जिसने ट्रेनिंग नहीं की है, उसने फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन किया सिर्फ, और वो काम करते हुए सीख रहा है, सो यू विल बी बेटर दैन दैट एग्जीक्यूटिव जिसको एक साल का एक्सपीरियंस है ना, उससे आपको ज़्यादा नॉलेज होगी। सो आपके पास मेरी साइट है, उस पर कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप साइट पे हम ब्लॉग भी पोस्ट करेंगे, अभी फिलहाल उसमें ब्लॉग नहीं है, आप ब्लॉग भी रीड कर सकते हैं। और जो वीडियोस हम पोस्ट करेंगे, हम वीकली वीडियोस पोस्ट करेंगे एडवांस टिप्स। अगर आपको नॉलेज है एसईओ की, आप एक साल, दो साल, तीन साल एक्सपीरियंस वाले भी हैं, तो अभी आपको वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि साइट पे कंपटीशन, किसी कीवर्ड पे कंपटीशन कितना है वो कैसे चेक करेंगे हम? हम कहते हैं गूगल जाके टाइप कर देंगे, वो गलत है, वो ओपन कंपटीशन है, उससे कोई आइडिया नहीं मिलता आपको। क्योंकि अगर मान लो मैं सर्च करता हूँ एसईओ ट्रेनिंग ऑनलाइन, अगर किसी पेज पर सिर्फ ऑनलाइन लिखा है ना, तो गूगल उसको भी काउंट कर रहा है वहाँ पे, बट वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, राइट? अगर किसी ने लिखा हुआ है वॉच मूवीज़ ऑनलाइन और आपका कीवर्ड था एसईओ ट्रेनिंग ऑनलाइन, तो वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, वो आपका कॉम्पिटिटर नहीं है। ओपन कॉम्पिटिशन आपको वही दिखाएगा, तो वो सही तरीका नहीं है। मैं कहता हूँ कि गूगल इंडिया में रैंकिंग चेक करने के लिए मैं google.co.in पे चेक कर सकता हूँ, और यूके के लिए मैं google.co.uk पे चेक कर सकता हूँ, बट अमेरिका के लिए क्या, यूएस में रैंकिंग चेक करेंगे? तो लोग कहते हैं google.com पे चेक कर लीजिए, बट गलत तरीका है। उसके साथ कमांड लगानी होती है, आपको एड्रेस बार में चेंजेस करने होते हैं, तो आपको यूएस स्पेसिफिक रैंकिंग दिखेगी। उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। इस तरह बहुत चीज़ें, इवेंट ट्रैकिंग कैसे करेंगे आप कन्वर्जन कैसे सेटअप करेंगे, आप फनल कैसे सेट करेंगे, जितने टाइप के गोल होते हैं वो आप कैसे बनाएंगे, एक्सपेरिमेंट कैसे करेंगे, ए बी टेस्टिंग कैसे करेंगे आप, एडवर्ड्स में जाके आप, एडवर्ड्स का भी काफ़ी टेक्निकल कोर्स है, वो भी आपको हम कंप्लीट सिखाते हैं, जो हमारे एडवर्ड ट्रेनिंग होती है सिर्फ उसके लिए। तो जो ये होगा, इसमें बेसिक आपको एडवर्ड का एक इंट्रो कि कैंपेन क्या होता है, एड ग्रुप क्या होता है, कीवर्ड क्या होते हैं, कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, तो वो चीज़ आपको बेसिक वहाँ पर चल जाएंगे पता। सो ये जो बेसिक कोर्स है हमारा एसईओ का, जो एसईओ ट्रेनिंग का कोर्स है, ये करके आप इजीली किसी भी एसईओ कंपनी में आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू क्वालिफाई करना एक अलग चीज़ है, बट आप उनको इम्प्रेस कर देंगे अपनी नॉलेज से। और कभी आप आगे जाते हैं, अगर आप कोई काम दिया जाएगा तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज जो हम ट्रेनिंग कराते हैं वो लाइव प्रोजेक्ट्स पे होती है, वेबसाइट्स पे ट्रेनिंग होती है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज चीज़ें आप पहले से सीखे हुए हो। कीवर्ड रिसर्च कैसे करनी है, एनालिसिस कैसे करनी है, मेटा कैसे अपडेट करना है, मेटा कैसे क्रिएट करना है, ऑन पेज कैसे करना है, कंप्लीट ऑफ पेज कैसे करना है, एनालिटिक्स कैसे इंस्टॉल करना है, सर्च कंसोल कैसे सेटअप करना है, उनमें मॉनिटरिंग कैसे करनी है, आपको सब चीज़ें चल जाएंगी पता। प्लस जो पेड टूल्स हैं वो आपको एक एडेड एडवांटेज होगा, किसी को भी बता के आप वो इम्प्रेस कर सकते हो। सो अभी वीडियो में ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही हो गया है वीडियो, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको क्वेश्चन होता है यू कैन कमेंट, और जब मैं कमेंट देखूंगा इन दैट केस आई विल रिप्लाई ऑन दैट कमेंट।
आपको लगता है कोई अर्जेंट क्वेरी है, आप पूछना चाहते हो, तो आप जो साइट है यहाँ पे एड्रेस मेंशन है www.webtrainingonline.com, आप साइट ओपन करना, वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप मुझे सीखते हो नहीं सीखते हो, दैट्स नॉट एन इशू, आपको कोई नॉलेज चाहिए, कोई कन्फ्यूजन है, आप मुझे कॉल कर सकते हो। ओके, सो थैंक्स लॉट, थैंक यू।